कंक एक जाट गोत्र है। भाषा भेद के कारण इसे कंग, कंगरी, कंगोरी, किंग, कंकस आदि नामों से भी जाना जाता है। यह एक सूर्यवंशी गोत्र है। जानकारी के अनुसार इस गोत्र के लोग पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पाकिस्तान में मिलते हैं। यह गोत्र पंजाब में विकसित हुआ है, जबकि कंग नाम से इस गोत्र के जाट अफगानिस्तान में भी मिलते हैं। आपको बता दें कि यह काफ़ी पुराना गोत्र है। महाभारत काल में भी इस गोत्र के जाटों का वर्णन मिलता है। महाराजा युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ करवाया था तो भेंट के तौर पर कंक देश के निवासी लंबी तलवारें, फरसे, रतन भारी संख्या में लाए थे। जानकारी के अनुसार बौद्ध काल में इन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके अलावा इतिहास से यह भी पता चलता है कि सिकंदर से अमूदरिया पर दहिया व कंक जाटों ने एक साथ युद्ध किया था। अगर इस गोत्र की स्थापना के बारे में देखा जाए तो पता चलता है कि इक्ष्वाकु वंश में विकुशी से महाराजा ककुस्थ हुए, उन्हीं के नाम से काक वंश प्रारंभ हुआ। इस गोत्र के लोग प्रमुख रूप से पंजाब में बड़ी संख्या में मिलते हैं। 1941 ईस्वी की जनसंख्या के अनुसार अमृतसर में 2258, जालंधर में 1980, सियालकोट में 393, फिरोजपुर में 880, लुधियाना में 329, अंबाला में 1950, पटियाला में 275 लोग इस वंश के मिलते हैं। जानकारी के अनुसार 700 ईस्वी पूर्व इस गोत्र के जाटों का राज्य बलख में था। राहुल संकृत्यान ने भी अपने लेखों में इस गोत्र के जाटों का वर्णन किया है। वहाँ उन्होंने उन लोगों के लिए मस्सागेटाई की शाखा के रूप में इनका वर्णन किया है, जिसका अर्थ होता है महान जाट। ये लोग काफ़ी समृद्ध होते थे। लगभग 700 ईस्वी पूर्व इन लोगों ने नहरों का निर्माण करवाया था। ये नहरें आज भी वहाँ मौजूद है। इनके राजाओं के सिक्के, मूर्तियाँ आदि भी इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी वस्तुओं पर कांग भाषा का प्रयोग किया गया है। ये जाट इतने वीर और बहादुर थे कि इतिहास में साइरस जैसा शक्तिशाली राजा भी इन्हें अपने अधीन ना कर सका। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अगर इनका वितरण देखा जाए तो पंजाब के कई स्थानीय लोगों और जाट जनजाति के लोगों का मानना है कि उनके पूर्वज चंडीगढ़ से 70 किलोमीटर दूर पंजाब में चंडीगढ़ जालंधर राजमार्ग के निकट बालाचोर के निकट धोली मोली गांव में स्थित थे। इस गांव में उनका एक पूजा स्थल भी है जो केवल कांग लोगों के लिए है। हर साल उनका समारोह होता है दिवाली के आसपास। इस दौरान गांव में बैल दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। झुंझुनू में केहरपुरा कला, केहरपुरा खुर्द गांव, छत्तीसगढ़ में भी इस गोत्र के लोगों का मिलना काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन यह सच है कि वहां दो गांव कांक जाट गोत्रों के हैं। इसमें पहला गांव छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले में मुंगेली तहल में, जबकि दूसरा गाँव छत्तीसगढ़ में महासमुंद तहसील और ज़िले में आता है। कांकेर छत्तीसगढ़ के एक शहर और जिले का नाम भी है। इसका नाम महावारा जनजाति के नाम पर कांग का पड़ा। हापुड़ जिले में अटूटा गांव, हरियाणा में सिरसे में भाउद्दीन गांव, पंजाब में गुरदासपुर जिले में कांग गांव, पटियाला जिले के कांग मल चक और कल्ला गांव का नाम आता है, जबकि गांव तरन तारण क्षेत्र में भी कुछ गाँव है। जालंधर जिले में कांग साहू, कांग साहिब राय, कंगना पंजाब के जालंधर जिले में नकोदर तहसील के गांव हैं। कांग अरियन, कांग जागीर, कंगनीवाल जालंधर जिले के फिल्लौर तहसील के गांव हैं। कांग कला, कांग खुर्द पंजाब के जालंधर जिले में शाहकोट तहसील के गांव हैं। होशियारपुर जिले में कांग गांव, नवाशहर जिले में कांगरू गांव, फतेहगढ़ साहिब जिले में खमनन। पाकिस्तान में वितरण, कांग बड़े जाट वंशों में से एक है। वो जो गुहा से वंश का दावा करते हैं, जो सोहल और नट जाटों के पूर्वज भी थे। ये लोहार, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, सरगोदा, नरोवा, फैसलाबाद और साहिवाल जिलों में पाए जाते हैं। 1911 की जनगणना के अनुसार कांग जिले में प्रमुख मुस्लिम जाट वंश थे। सियालकोट में 173, अमृतसर में 97, गुजरात में 132, मुजफ्फरगढ़ जिले में 629, डेरा गाजी खान जिले में 10 लोग थे। अगर इस गोत्र के उल्लेखनीय व्यक्तियों की बात की जाए तो उसमें कुर्रन कांग सरब का नाम सबसे पहले आता है, जो एक क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके बाद AS कांग, एक IAS ऑफिसर, सरदार जगतार सिंह कांग पूर्व विधायक रहे हैं। ये लोग इस गोत्र के प्रमुख व्यक्ति हैं।
अगर आप जाट जागरण चैनल से इसी प्रकार की खबरें चाहते हैं तो हमें लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। जाट जागरण आपका अपना चैनल है जो समाज की खबरों को आप तक प्रमुखता से पहुंचाने का कार्य करता है। अगर आपके पास भी कोई खबर या नाम है या किसी चीज़ की हिस्ट्री तो आप हमें jatjagran2017@gmail.com पर उसे भेज सकते हैं, हम प्रमुखता से प्रसारित करेंगे। इसके अलावा हम एक जाट डायरेक्टरी का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें हमारा लक्ष्य 1,00,000 जाटों भाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी देना है, जिसमें नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर और उनका व्यवसाय होगा। अगर आप भी इस डायरेक्टरी में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो हमें नीचे लिखे गए फ़ोन नंबर पर अपने बारे में जानकारी दे ताकि हम प्रमुखता से उसे अपनी डायरेक्टरी में जगह दे सके। यह सब कार्य निःशुल्क है जिसका किसी भी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया जाता।